हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले हैं SSC CHSL का एग्ज़ाम जो अभी तक हो रहा था और कोरोना वायरस की वजह से जो पोस्टपोन हो चुका है एग्ज़ाम। ओके, और आज से एग्ज़ाम नहीं होगा और ऐसा कोई नोटिस नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कब स्टार्ट होगा। यानी कि 17, 18 और 19 तारीख का जो एग्ज़ाम है, जितने भी 3 दिन एग्ज़ाम हुआ यानी कि 9 शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ है, उनका हम एनालिसिस देखने वाले हैं और इसमें बताने वाला हूँ कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी शिफ्ट सरल थी, कौन शिफ्ट में आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद में, या कौन शिफ्ट में आपको फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है प्रीवियस ईयर के जो है कट ऑफ के आधार पर। तो फ्रेंड, एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, मैं लेके आ रहा हूँ आपको 218 के लगभग क्वेश्चंस जो आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं, जो कि आपको 17, 18, 19 तारीख को पूछे गए हैं। ये जो वीडियो है वो आपको 12 बजे तक मिल जाएगी। इसमें सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं, मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं उतने, अगर इससे और भी ज़्यादा 2-4 क्वेश्चन और भी मिलते हैं तो वो भी मैं यहाँ पर लूँगा। वो सारे क्वेश्चन जो है वो 100% उसी जो आपके एग्ज़ाम में है वही क्वेश्चन हैं, और इसकी PDF जो रहेगी वो टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का नाम है ऑनलाइन फ्री स्टडी, ठीक है। सबसे पहली बात देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। तो देखिए, एक तो लोअर डिवीज़न क्लर्क की रहती है LDC की, ठीक है, और एक जूनियर सेक्रेटरी, ठीक है, सेकेंडरी असिस्टेंट की रहती है GSA की, ठीक है। तो इनकी जो पोस्ट रहती हैं दोनों, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है कट ऑफ जाता है, ठीक है। ओके, इसके बाद पोस्टल असिस्टेंट रहता है और शॉर्टिंग असिस्टेंट रहता है, ठीक है। ओके, ये रहता है, और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर रहता है DEO, ठीक है। तो ये पोस्ट रहती हैं, इसके अलावा भी अलग अलग भी पोस्ट रहती हैं, ठीक है, अलग अलग पोस्टें हैं और अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग कट ऑफ भी यहाँ पर आता है। लेकिन यहाँ पर बात नहीं करेंगे अलग अलग कट ऑफ की, तो कट ऑफ की बात यहाँ से हम करेंगे। देखिए, 2013 से लेकर हम ग्राफ देखेंगे, ये यहाँ से बढ़ता गया है, ठीक है। कब तक बढ़ा गया है, 2018 का जो एग्ज़ाम था, यानी कि 2017 का जो एग्ज़ाम था 18 में हुआ उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक बढ़ा गया है, ठीक है। ओके, तो 18 का एग्ज़ाम, मतलब ऐसा कहना है कि इसका भाई इनका जो एक ग्राफ है वो 165 तक जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा अभी मैं नहीं कहूँगा कि 165 तक आएगा, लेकिन हाँ, 143 यहाँ पर जो है बिल्कुल 2017 का कट ऑफ गया था, ठीक है, 18 का 165.9 गया था, ये एक अलग चीज़ है। देखिए, अब मैं आपको ओवरऑल कट ऑफ बता देता हूँ 2015, 16, 17 और 18। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, 19, ठीक है, और सॉरी 2015 में 19 कट ऑफ था अनरिजर्व कैटेगरी का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 2016 में 127 था, सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ था वो 2017 में था 143, ठीक है, और 2018 में था 135, ठीक है। ये जो है कट ऑफ गया था कब, ये सारा Tier 1 का कट ऑफ है, ठीक है। अगर SC का बात करें तो वहीं देखिए, SC का भी कट ऑफ यहाँ तक बढ़ रहा है, 2017 में सभी का कट ऑफ जो है बढ़ा है, ठीक है। ST का भी देख लीजिए, ST का भी यहाँ पर आपको कट ऑफ दिख रहा है, और ये 2018 में जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर 2018 में कितना था भाई, ST का 99 था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर OBC का भी देख लीजिए, 110, 120, 139 सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही गया 2017 में, फिर 133, ठीक है। तो ये जो है कट ऑफ कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, 2017 तक बढ़ा है, ठीक है, उसके बाद घट गया है, ठीक है, क्योंकि जो कंपिटेटिवली एग्ज़ाम देखें तो एग्ज़ाम जो है यहाँ पर इतना टफ नहीं आते थे इससे पहले, ठीक है। लेकिन अब जो एग्ज़ाम आ रहे हैं वो काफ़ी टफ आ रहे हैं, ओके, और आप देखें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स जो हैं ऐड कर दिए गए हैं, बहुत अलग अलग टॉपिक वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। और 2017 में सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, सबसे ज़्यादा जो है कट ऑफ गया था, तो देखिए 143, देखिए 139, 122, 112 और 95, ठीक है। तो ये जो है कट ऑफ गए थे, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कट ऑफ गए थे, ठीक है, 2017 में। और अगर हम बात करें भाई कि हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, तो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि भाई 17 की जितनी भी शिफ्टें हुई हैं हमारी, ठीक है, ओके, 17 की जितनी भी शिफ्ट हुई हैं वो सारी कैसी थी, इजी थी, ठीक है। वो सारी कितनी कैसी थी, इजी शिफ्टें थी, ठीक है। डेफिनेटली उसमें आपको 75 से प्लस जो है, यानी कि 75 प्लस जो है स्कोर करना था, यानी 75 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने थे, ओके। उसके बाद 18 की जो शिफ्टें हैं, जितनी भी शिफ्टें हुई हैं वो सारी टफ थी, काफ़ी टफ मैथ पूछा गया। सेकेंड शिफ्ट जो थी 18 की, वो सबसे ज़्यादा टफ थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप
70 के समथिंग, अगर 70 या 65 भी प्लस करते हैं, 65 या 70 तक भी क्वेश्चन करते हैं, तो आपका एवरेज स्कोर दूसरे स्कोर के बराबर हो जाएगा। और बाकी जो है यहाँ पर देखिए आपको 10 से 15 नंबर जो है मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो बाकी जो है इतनी ट्रिप के बराबर हो जाएगा। और अगर बात करें भाई 19 की, तो 19 में जो है आपको पता है कि मैथ इतना टफ नहीं आया, रीजनिंग भी नहीं आई है, ना जीके, जीएस थोड़ा सा कम, जीएस थोड़ा सा डीपली पूछ लिया था, ठीक है। बाकी जीएस पूछ लिया था डीपली, और इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछा गया, ठीक है। तो इसको ईजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ जो है टफ थी, बाकी सारी चीज़ें ईजी थी, ठीक है। तो ये टफ था। ओके, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर देखें, बात करें तो जनरल अवेयरनेस की बात, यहाँ पर सॉरी जनरल कैटेगरी की बात करें, तो ये हो सकता है 135 से लेकर कितना 140, ठीक है। इसके बाद बात करें ओबीसी की, तो 128 से 135 जा सकता है। एससी कैटेगरी का 125 से 130 के समथिंग जा सकता है, और एसटी का जो है 115 से 120 तक जा सकता है। ये सारे कैसे हैं, सारे एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। इनसे जो है अगर इतना आपका बन रहा है, जो अगर 120 या 125 अगर बन रहा है, ठीक है, 125 बन रहा है, तो आपका आप जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो सकता है टीयर वन, ठीक है। लेकिन टीयर टू में जो लिस्ट बनेगी वो डिपेंड करेगा दोनों पर, ओके ओके, टाइपिंग वगैरह जो आपका है उसके ऊपर, ठीक है, टाइपिंग वगैरह के बाद में जो आपका आएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है ओवरऑल मैंने बताया आपको। तो फ्रेंड्स इसके बाद में आपको 1 से 1.5 घंटे के बाद जो है, या 2 घंटे के बाद आपको 200 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि मैंने जो है यहाँ पर बनाए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। इनमें जो है डिटेल में आपको जो है इंक्लूड करने वाला हूँ, क्योंकि डिटेल भी यहाँ पर आपको मैं बताते जाऊँगा, ठीक है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, आने वाली वीडियोज़ के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल का आइकन नहीं दबाया तो बेल का आइकन दबा दीजिएगा, जिसके जितने वीडियोस हैं उनका जो है आपको नोटिफिकेशन आया, उन वीडियोस को आप देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।